मेरी जो सिस्टर है वो आ रही है 5 साल बाद मुझसे मिलने, और ये 5/24 पे लैंड होएगी। ये है अपनी डेस्टिनेशन। मेरा दिल धक धक कर रहा है यार, बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहा हूँ। वेलकम टू होम। तो आप छुप जाना और मैं आरव को बोलूंगा कि अभी वो आए नहीं है। नहीं है कोई वहाँ, कौन कहाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई नो ये व्लॉग बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा यार, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं लग रहा है व्लॉग बनाने का। तो दोस्तों ये व्लॉग मैं कैसे मिस कर सकता था, आपको पता ही है, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। तो जिनको नहीं पता है कि जो मेरी रियल सिस्टर है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो हाँ मेरी जो सिस्टर है वो आ रही है 5 साल बाद मुझसे मिलने, और साथ में मेरा भांजा और मेरी भांजी वो भी साथ में आ रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ही इमोशनल मोमेंट है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, आपको भी दिखाऊं। तो जब वो गए थे वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, मैं यहाँ पर पिक भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो, और अब वो बहुत बड़े हो गए हैं। मैं उनसे बहुत देर बाद मिलूँगा यार, और उसकी जो फ़्लाइट है वो कल सुबह मॉर्निंग की है, और इस टाइम बज रहे हैं रात के 11। उसकी जो फ़्लाइट है वो दिल्ली लैंड करेगी, तो चलते हैं दिल्ली। ड्राइवर आने वाला है, मैंने उसे फ़ोन कर दिया है। चलो जी मैं निकल रहा हूँ, गाड़ी हमारी आ चुकी है, बैठते हैं अंदर। तो ये है जी दिल्ली हाईवे, और मैं अभी रुका हूँ पहलवान ढाबा पे। यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पीते हैं, फिर निकलेंगे आगे। तो दोस्तों अभी मेरी जीजा जी से बात हुई है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो कह रहे हैं कि 2 घंटे तक पहुंच जाएगी। तो चलो जी निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। चलो जी मैं पहुंच गया हूं एयरपोर्ट, और अब यहां से मैं अकेला आगे जाऊंगा, और मैंने ड्राइवर को बोल दिया है कि वो हमारी वेट करे, और मुझे अप्रॉक्स 1 घंटा या 1.5 घंटा लग सकता है आगे। तो चलते हैं। दिन के अभी बज रहे हैं 5, और बाहर देखो कैसे लोग घूम रहे हैं, मतलब इस टाइम भी पूरा रश है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे मिल गया है जहाँ अपने को जाना है, इंटरनेशनल अराइवल्स। सो सीधा है, सीधा जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अपनी फ्लाइट कब लैंड हो रही है। ये है, और ये 5:24 पे लैंड होएगी। मेरे ख्याल से उन्हें निकलने में अभी 1 घंटा तो अप्रोक्स लगेगा, और तो अभी यहीं पर ही घूमते हैं। ये है अपनी डेस्टिनेशन, इंटरनेशनल अराइवल। जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना, मेरी धड़कन और बढ़ती जा रही है। आई गेस ये सारे रिसीव करने वाले ही खड़े हैं यहाँ पर, और कुछ यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। तो इन सब की तरह मैं भी बैठ गया और सामने देखने लग गया कि वो कब आएंगे, और बैठे बैठे मैंने चेक किया कि उनकी जो फ्लाइट है वो अभी अभी लैंड हुई है, तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया देखकर। तो दोस्तों फ्लाइट लैंड कर चुकी है, मैंने अभी ट्रैकिंग से देखा, और जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है ना, मेरा दिल धक धक कर रहा है यार। एक खुशी भी है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहा हूँ। आई गेस यहाँ से या वहाँ से आएंगे वो। थोड़ा ही टाइम रह गया है, आने वाली है वो वहाँ से। One hour later. Harry!
जाना। ये हाय। तो गाइस फाइनली मैंने अपनी बहन को ले लिया है। ये है मेरी बहन मोना और अब हम जा रहे हैं। नहीं जैसे कि आप ये नहीं जानते हैं, कईयों को पता है पर कईयों को नहीं पता है। तो आफ्टर 5 ईयर्स तब ये मिल रहे हैं मुझसे और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब हम जा रहे हैं टैक्सी वाले के पास और फिर हम निकलेंगे चंडीगढ़ की तरफ। तो बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा। और ये अरी अवनी वो देखो आगे आगे जा रहे हैं दोनों जने। अवनी ने अपना लगेज उठा रखा है, एरी ने बोला कि मामू मैं उठाता हूँ आप आराम से आओ। तो अभी हम फिर आ गए हैं पहलवान ढाबा में, जो कि हम सुबह भी आए थे यहाँ पर, और अब जाते हैं और यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जी हम ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल गए अपने घर की तरफ। हम घर पहुंचने वाले हैं। एरी अवनी ये आर यू एक्साइटेड? ये चलो स्वागत हो रहा है इनका। अब चलो स्वागत करो। ये वेलकम टू होम। यस काजू कतली अच्छी लगती है अवनी को भी अच्छी लगती है। ये लव इट। चले अंदर। ये अवनी सबसे पहले। ये आरव का एक्सप्लोर कर रहे हो रूम। अभी आरव नहीं है, आरव को सरप्राइज देना हमने, ठीक है? ओ अवनी मैं एवी को लेने जा रहा हूँ। तो देखते हैं एवी के एक्सप्रेशन है ना, आपसे मिलकर कैसा लगता है उसको। अवनी ऐसा करते हैं, जब मैं आरव को लेकर आऊंगा तो आप छुप जाना और मैं आरव को बोलूंगा कि अभी वो आए नहीं है, ठीक है? ठीक है, फिर आप सरप्राइज देना एकदम से निकल के, ठीक है? मैं मारियो के साथ छुपूंगी। ये अंदर सारे जने, बुआ भी, आप भी और एरी है, ठीक है? आ गए आप। ये क्यों देख रहे हो मुझको ऐसे? हैं क्या? मोना बुआ नहीं आई बेटा, वो उनका मिस होगी फ्लाइट, कल आएंगे वो। चला जा। अब भी नहीं आए बेटा वो। क्या पता चल गया? क्या नहीं आए वो? नहीं है कोई वहाँ, कौन कहाँ, कोई भी नहीं है यहाँ पर। कहाँ कहाँ ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? जाना रूम में जाओ, यहाँ पर जाओ रूम में। क्या हुआ यहाँ के? क्या देख रहे हो अपने रूम में? ये इसका ना मूड खराब हो गया था रास्ते में, कहता भाई पता नहीं वो आए क्यों नहीं। मैंने कहा भाई वो तो उनकी फ्लाइट मिस होगी, वो कल आएंगे। देखिए कैसे शर्मा रहा है। चलो भाई आते ही अवनी दीदी की क्लास शुरू हो गई है और आरव सीख रहा है साथ में। वेरी गुड, दोनों जने ऐसे खेलना बेटा, ठीक है? केक काट रहे हैं ये तीनों भाई बहन। चलो जी वेलकम केक। ये तो चलो जी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। तो ये भाई बहन मिल रहे हैं 5 साल बाद। तो जब ये लास्ट टाइम गए थे तो ये इतने छोटे थे और अब देखो कितने बड़े हो गए तीनों।